आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज कथा एवं पूर्ण पूजन की विधि जानिए। जानिए किस विधि विधान से भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज का किया जाए यम द्वितीया पर आह्वान। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। यम द्वितीया पर कायस्थ समुदाय के लिए न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का पूजन बहुत आवश्यक माना जाता है। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के वंशज कहलाते हैं। कायस्थ समुदाय के लोग एवं कायस्थ समाज के लोगों के लिए न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज सबसे बड़े आराध्य माने गए हैं। आज हम आपको न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के पूजन अर्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। सर्वप्रथम भगवान श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी महाराज के पूजन से पहले पूजा स्थल पर कलश स्थापना, वरुण पूजन कर वरुण देवता का आवाहन कर पूजा स्थान को साफ कर एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी का चित्र स्थापित करें। यदि चित्र उपलब्ध न हो तो कलम दावत एवं कलश को न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी का प्रतीक मानकर श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी का स्मरण कर स्थापित करें। फिर गणेश अंबिका का पूजन कर उनका आवाहन करें। तत्पश्चात ईशान कोण में वेदी बनाकर नवग्रह की स्थापना कर आवाहन करें। इसके पश्चात दवात कलम पत्र पूजन एवं तलवार की स्थापना कर नीचे दी गई विधि से पूजन करें। पूजन एवं हवन के लिए आवश्यक सामग्री धूप दीप चंदन लाल फूल हल्दी रोली अक्षत दही दूब गंगाजल घी कपूर कलम बिना चिरी हुई दवात कागज पान सुपारी गुड़ पांच फल पांच मिठाई पांच मेवा लाई चूड़ा धान का लावा हवन सामग्री एवं हवन के लिए लकड़ी आदि रख सामग्री पर पवित्र जल छिड़कते हुए प्रभु न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का स्मरण करें। इसके लिए मंत्र जाप करें। नमस्ते स्तु चित्रगुप्ते यमपुरी सुर पूजिते लेखनी मसी पात्र हस्ते न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज नमोस्तुते। अब स्वस्ति वाचन कीजिए। ओम गन्ना त्वां गणपति हवामहे प्रियाना त्वां प्रियपत्र हवामहे निधिना त्वां निधिप्ते हवामहे वसो ममा हम जानी गर्भधामा त्वं जासी गर्भधा। ओम गणपत्यादि पंच देवा नवग्रहा इंद्रादि दिक्पाला दुर्गादि महादेव्य हिहा गच्छत स्वकीयां पूजां गृहीत भगवतः। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवस्य पूज्म विघ्नहरहित कुरु। अब ध्यान कीजिए। तच्छरी रान महाबाहु श्याम कमल लोचन कम्बु ग्रीवो गुर शिर पूर्ण चंद्र निभानन काल दंडोस्त वोवसो हस्ते लेखनी पत्र संयुत निहमत्ते दर्शनेत स्थौ ब्रह्मानोत्वयक्त जन्मन लेखनी खर्गे हिस्ते च मसी भाजन पुस्तका। कायस्थ कुल उत्पन्न न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज नमो नमः। मसी भाजन संयुक्तश्चरोसी त्वन महितले लेखनी कठिन हस्ते न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज नमोस्तुते। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज नमस्तुभ्यं लेख काक्षरदाये। कायस्थ जाति मासादे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज मनोस्तुते। योषात्वया लेखन से जीविकाय निर्मे तेषाच पालको यस भात्रत शांति प्रयच्छमे। अब देवता का आवाहन कीजिए। हे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी आपका आवाहन करता हूँ। ओम आगच्छ भगवन देव स्थाने चात्र स्थिरो भा यावत पूजन करिष्यामि तावत वन सान्निधौ भा। ओम भगवंतन श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज आवाह्यामि स्थाप्याम भगवान के आसन हेतु। ओम इदमासनम समर्प्याम भगवते न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। पादे हेतु ओम पाद्यो पादेन समर्प्याम भगवते न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। आचमन हेतु ओम मुखे आचमनीयन समर्प्याम भगवते चित्रगुप्ताय नमः। अब स्नान हेतु
ओम स्नानार्थ जलन समर्प्याम भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। वस्त्र ओम पवित्रो वस्त्रं समर्प्याम भगवते श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। पुष्प चहाय ओम पुष्पमाला च समर्प्याम भगवते श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। धूप दिखाए ओम धूपम माधाप्यामी भगवते श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। दीप दिखाए ओम दीपं दर्श्याम भगवते श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। नैवेद्य अर्पित करें ओम नैवेद्यं समर्प्याम भगवते श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। तांबूल दक्षिणा हेतु ओम तांबूलं समर्प्यामी ओम दक्षिणा समर्प्यामी भगवते श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज देवाय नमः। दवात लेखनी मंत्र बोलिए लेखनी निर्मितां पूर्व ब्रह्यना परमेष्ठिना लोकाना च हितार्थाय तस्मातां पूज्याम्य। पुस्तके चर्चिता देवी सर्व विद्यांदा भव मदगृहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सदा। लेख्यते नमस्तेस्तु लाभकत्रे नमो नमः। सर्व विद्या प्रकाशिने शुभदाय नमो नमः। अब परिवार के यजमान एक ससेद कागज पर चावल का आटा हल्दी घी पानी व रोली से स्वस्तिक बनाए। उसके नीचे पांच देवी देवताओं के नाम लिखे जैसे श्री गणेश जी सहाय नमः, श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी सहाय नमः, श्री सर्व देवता सहाय नमः, श्री लक्ष्मी माताय सहाय नमः आदि। इसके नीचे एक तरफ अपना नाम पता व दिनांक लिखे और दूसरी तरफ अपनी आय व्यय का विवरण दे। इसके साथ ही अगले साल के लिए आवश्यक धन हेतु निवेदन कर फिर अपने हस्ताक्षर करे। इस कागज और अपनी कलम को हल्दी रोली अक्षत और मिठाई अर्पित कर पूजन करे। अब श्री न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी का ध्यान करते हुए निम्नलिखित मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करे। मसी भाजन संयुक्तश्चरसि त्वम् महितले लेखनी कटिनी हस्त न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज नमोस्तुते। न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज मस्तुभ्यन लेख काक्षरदाय कायस्थ जाति मासादे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज नमोस्तुते। हरि ओम। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की आराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय चित्रगुप्त देवा जय श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय लाभ सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों पंचांग प्रवचनों मान्यताओं धर्म ग्रंथों दंत कथाओं किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।